अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम इधर ये गंदम काश करने के लिए आए हैं। अभी गंदम काश करना है, ये देखो हमने ये लिया 5000 का 50 किलो, 5000 का 50 किलो। अभी इधर इसको काश करना है, एक को काश किया, ये देखो, और अभी दूसरे पे लगा हुआ है। और मेरा अबू अभी इसको काश कर रहा है, ये देखो जमीन पे। इसी तरह देखो, पांच महीने चार महीने बाद इंशाल्लाह इसको काटना है। फिर ये देखो इसी तरह लोग डाल रहे हैं। पंजाब में तो सारा मशीन के साथ होता है, नाली के साथ, हाथ के साथ। काश कर रहा है। यही है वो चवा। हाँ यही है बोला। ये देखो ये काश कर रहा है। चलो आगे जाओ, आगे जाओ, आगे। ये देखो, और ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, देख, गंदम काश किया और इसके बाद ट्रैक्टर चलाना शुरू होगा। आज तो वो चलो वो देख पड़ा मैं दस रहा दस रोश बस उस दस रोश बस पूरी मच दस दिन शुरू से दस रोश बस उस दस अख पल मच दस ये देखो, और ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये देखो, गंदम काश किया और इसके बाद ट्रैक्टर चलाना शुरू होगा। ये देखो ये ट्रैक्टर है, अभी स्टार्ट करना है इसको। और ये इसका ड्राइवर है इदरीस खान। और अभी इसको ये देखो, गंदम हमने डाला, गंदम के पीछे अभी ये ट्रैक्टर चलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये शुरू करना है। 5 मिनट 4 मिनट बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करना है। ठीक है,
आप लोगों के सामने में इंशाल्लाह जब ये निकल जाए ज़मीन से तो फिर इंशाल्लाह इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, तकरीबन डेढ़ महीने बाद थोड़ा बड़ा हो जाए ना, फिर जनवरी में फिर वीडियो बनाऊंगा इसका, फिर अप्रैल में फिर बनाऊंगा काटने का इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी दुआ करें कि इस पर अल्लाह बारिश करे, क्योंकि बारिश का बहुत ज़रूरत है। अभी देखो अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करना है, इस पे रेडियो भी लगा हुआ है, ये देखो पश्तो सॉन्ग लगा हुआ है। एक वो काश किया, दूसरा ये काश करना है, तीसरा ये है, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شروع ہو گیا ان شاء اللہ، دعا کرو اللہ پاک اس کو خیر سے کامیاب کرے اور خیر سے اس کو پہنچائے۔ पौधे को बाबा और पोता दादा ये हमारा अबू है और ये पोता है, ये हिया। Thank you.
ये देखो आधा हुआ और आधा रह गया, ये काम चालू है अभी, इंशाल्लाह ये पूरा होगा। इंशाल्लाह ये 8-10 दिन में ये निकल जाएगा, अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। Abu! Abu urcă la asta! Bă! जी हमने ये लकड़ी भी काट लिया जलने के लिए, क्योंकि आगे सर्दी है, सर्दी के लिए ये लकड़ी चाहिए हमारे घर को तंदूर के लिए। और वैसे सर्दी तो वैसे होता है, बच्चों के लिए जलने के लिए भी थोड़ी, ये देखो बस ये आखिरी टाइम है इसका, ख़त्म होने वाला है क्योंकि आधा घंटा इसके इंशाल्लाह रह जाएगा। और आप लोगों को मैं और भी दिखाऊंगा जब ये उगल जाए तो ये सारा जगह सब सब्ज़ हो जाएगा, मज़ा करेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को मैं दिखाऊं, लकड़ी भी आप लोगों ने देखा कि हमने बनाया, और ये थोड़ा जगह रह गया क्योंकि इधर कांटे का कीकर है, इसका इसका नाम है कीकर, ये कांटे का जगह है, इसको काटने, ये देखो
इसको काटना है, फिर उसके बाद इधर ट्रैक्टर आएगा। ये हमने काट लिया, ये देखो ख़त्म हो गया। और अभी ये दूसरा है, इसको भी ख़त्म करना है। ये देखो ये हमने काट लिया, ठीक है, ट्रैक्टर के लिए जगह साफ हो गया। और अभी ये जगह रह गया इधर, ये की कर। जी व्यूअर्स, ये 3 घंटे से लगातार लगा हुआ है और अभी ये 2 बजे से ये स्टार्ट है और ये अभी 5:03 हो गया, मतलब 3 घंटे हो गए इसका। और ये हाल है, ये भी किया और ये वाला भी हो गया। और आप लोग ये देखो, हमने एक ही कर कांटे वाला जो तय, ये सारा हमने जड़ से काट दिया। ये देखो, और ये मस्जिद है, इसके थोड़ा सा काम रह गया है। ये देखो ऊपर एक गेट लगाना है, उसके ऊपर छत लगाना है, क्योंकि नीचे पानी आता है बारिश का। जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी नीचे आता है। और ये जो है आगे से प्लास्टर करना है। और ये देखो अंदर थोड़ा काम है। ये गंदम हमने काश किया, मैं आप लोगों को मस्जिद दिखाऊं थोड़ा सा। ये देखो मस्जिद, इसका कलर हो गया, कलर है क्या, इसका रंग करना है। और ये देखो, अभी इस गेट का कलर, इसके ऊपर छत लगाना है। ये देखो, और इधर दरवाज़ा, क्योंकि जो भी बंदा आता है ऊपर जाता है बैठने के लिए। ये तो मस्जिद है इसलिए लगाना चाहिए कि बंद हो जाए ये जगह। और ये मस्जिद, ये देखो ये पानी, इधर पाइप लगाना है उसी के लिए। इधर सीधे एक पाइप उधर तक और उधर से सीधे इधर तक लगाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे पानी आता है, लोग इधर ही बैठ जाते हैं वजू करने के लिए। और ये हाल है, जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा मिल जाएगा, मिलना है। खुदा हाफिज़। अभी इस गेट का कलर, इसके ऊपर छत लगाना है। ये देखो, और इधर दरवाज़ा, क्योंकि जो भी बंदा आता है ऊपर जाता है बैठने के लिए। ये तो मस्जिद है इसलिए लगाना चाहिए कि बंद हो जाए ये जगह। और
ये मस्जिद। ये देखो ये पानी। इधर पाइप लगाना है उसी के लिए। इधर सीधे एक पाइप उधर तक और उधर से सीधे इधर तक लगाना है, ठीक है? क्योंकि इस पे पानी आता है, लोग इधर ही बैठ जाते हैं वजू करने के लिए। और ये हाल है। जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा मिल जाएगा मिलना है। खुदा हाफिज़।